नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी अकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही खास बुक के बारे में, और वो बुक होने वाला है लूसेंट ऑब्जेक्टिव एंड क्राउन ऑब्जेक्टिव। दोनों बुक में से कौन सबसे बेहतर है, किससे सबसे ज्यादा प्रश्न आता है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे फ्रेंड जो कभी लूसेंट पढ़ते हैं तो कभी क्राउन पढ़ते हैं, तो दोनों में से कौन सबसे बेहतर है, कहां से प्रश्न आते हैं और पढ़ना सबसे ज्यादा किसको आसान है? जब मैं जॉब की तैयारी करता था, जॉब लगने से पहले, तब से मैं लूसेंट को पढ़ रहा हूं, और अभी अभी आप देख सकते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव के पास मेरे पास 3 बुक है। ये वाली बुक थोड़ी सी फट गई है, इसके बाद मैंने ये वाली बुक लिया था, और अभी लेटेस्ट में मैंने ये बुक लिया है इससे पहले, और मेरे पास क्राउन ऑब्जेक्टिव भी है जिसको भी मैंने पढ़ा है। तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा अपने आधार पर बनाऊंगा, मैंने दोनों बुक को पढ़ रखा है और जो मैं फील करता हूँ वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अगर बात करें फ्रेंड कि आखिर लूसेंट और क्राउन में क्या अंतर है, तो देखिए लूसेंट जो है, लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव बुक है एक तरह से क्वेश्चन बैंक है, क्राउन भी एक तरह से क्वेश्चन बैंक ही है, लेकिन अगर आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो यहाँ पे मोस्टली जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे 100 में से 80 से 90% वो आपको किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछे हुए क्वेश्चन मिलेंगे। दूसरी जो चीज अगर आप क्राउन के में देखेंगे तो क्राउन में बहुत 10 से 20% ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे रिपीटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो क्राउन में आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। दूसरी जो एक मेन डिफरेंस है लूसेंट और क्राउन में, वो यह है कि लूसेंट में आपको जो लैंग्वेज है वो बहुत ही आसान मिलेगा। जैसे आप एग्जाम में पढ़ते हैं सिंपल लैंग्वेज में थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, उसको थोड़ा सा याद करना आसान होता है। दूसरी अगर आप टर्म में देखेंगे तो क्राउन की, अगर मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पे मैंने ऐसा फील किया कि क्राउन का थोड़ा सा लैंग्वेज है वो थोड़ा सा कठिन है, और थोड़ा सा मतलब एक तरह से कहा जाए तो मतलब बुक वाला लैंग्वेज है, और यहाँ पे मतलब एक सामान्य लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है, तो थोड़ा सा लैंग्वेज में मुझे डिफरेंस लगा। जो आपके हो सकता है कि अगर आप लूसेंट में 100 क्वेश्चन याद कर रहे हो तो आप क्राउन में 60-70 ऐसे क्वेश्चन आप याद करें। दूसरी जो मेन रूप से डिफरेंस लूसेंट और क्राउन में है वो ये है कि लूसेंट में आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रिपीटेड होंगे। जैसे मैं सपोज मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कि आपने सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ रहे हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में प्रश्न ये हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, दूसरा प्रश्न यही हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता क्या है। होता क्या है फ्रेंड कि अगर मान लीजिए चार एग्जाम में अगर एक ही प्रश्न को चार तरह से पूछा गया है तो लूसेंट में वो सभी चार एग्जाम के प्रश्नों को दे दिया जाता है, यानी कि आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन अलग अलग लैंग्वेज में रिपीटेड होते हुए मिलेंगे, या हो सकता है एक ही क्वेश्चन को थोड़ा सा एक दो लाइन चेंज करके आपको देखने को मिल जाए। तो ये चीज आपको क्राउन में नहीं होती है। क्राउन में बहुत ही सफिशियंट रूप से क्वेश्चन को छाट दिया गया है। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है तो दूसरी बार उसको इसमें रिपीट नहीं किया गया है, तो ये एक चीज क्राउन की बेनिफिट। इसके साथ ही अगर बात करें फ्रेंड तो लूसेंट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं और बहुत सारे क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में लिखा गया है। हालांकि लूसेंट में आपको एक टॉपिक में कुछ ज्यादा ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े से कम हो जाते हैं, और इसके क्वेश्चन को जो लेवल होते हैं वो थोड़े से क्राउन लेवल से कम होते हैं, क्योंकि क्राउन में एक ऐसा किया गया है कि जो क्राउन के सब्जेक्टिव बुक है उससे थोड़ा सा क्वेश्चन को उठाया गया है, बाकी क्वेश्चन बैंक से थोड़ा सा क्वेश्चन उठाया गया है, और इसमें जो लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से जो लेवल है थोड़ा सा क्राउन का थोड़ा सा टफ लेवल है। अगर आप मान के चल सकते हैं कि अगर आप लूसेंट का जो लेवल है वो 10 है तो क्राउन का जो लेवल है वो 12 है, इस प्रकार से इसका लेवल है। तो यहाँ पे हो सकते हैं कि कुछ प्रश्न आपको यूनिक देखने को मिलेंगे, कुछ प्रश्न आपको टफ देखने को मिलेंगे। सवाल ये आता है फ्रेंड कि आखिर दोनों में से कौन से बुक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बुक 19 है तो दूसरा बुक 20 है, किसी में भी कोई खास कमी नहीं है, दोनों बुक अलग अलग स्टूडेंट के लिए बहुत ही परफेक्टली होते हैं। अगर मान लीजिए कि आपने तैयारी कर रखी है, आपको एक रिवीजन के लिए बुक चाहिए तो आप लूसेंट के साथ जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं से आपने सब्जेक्टिव पढ़ रखा है और आपको प्रैक्टिस करना है तो आप बेफिक्र होकर के लूसेंट के साथ जाइए, आपको क्राउन के साथ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्राउन में जो लैंग्वेज होते हैं फ्रेंड वो थोड़ा सा मतलब पेचीदा होते हैं, आपको उतना मजा नहीं आएगा प्रैक्टिस करने में जितना आपको लूसेंट में प्रैक्टिस करने में आएगा। इसके साथ ही लूसेंट में अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्वेश्चन 2-3 जगह अलग अलग लैंग्वेज में आएगा, तो इससे आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने में मजा आता है। दूसरी जो चीज है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को याद करने में आसान हो जाता है, तो वैसे स्टूडेंट जिनको थोड़ा सा स्पीड में याद करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए याद करना है, जिनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन उन्होंने पढ़ रखा है उनको कहीं से प्रैक्टिस करना है तो वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे स्टूडेंट जिनको रटना है कोई चीज, मान लीजिए उन्होंने नहीं पढ़ रखा है, उनको प्रैक्टिस तौर पर नहीं इस बुक को अगर
याद करने के तौर पर ले रहे हैं तो उनको क्राउन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे यूनिक क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को भी डिवाइड किया गया है। तो दोनों बुक अपने अपने जगह पे बहुत ही शानदार है। लूसेंट अपने जगह पे बेस्ट है, क्राउन अपने जगह पे बेस्ट है। तो दोनों बुक में ऐसा किसी प्रकार से कोई कंपेरिजन नहीं है। हाँ, ये मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ कि वो बहुत दिनों से लूसेंट पढ़ रहे हैं और सडनली अगर किसी वीडियो में बोल दिया गया कि क्राउन बेस्ट है तो वो लूसेंट को छोड़ करके क्राउन की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसा आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोनों बुक में कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ी थोड़ी से डिफरेंस है जो अलग अलग टर्म पे है। तो अगर आप मान के चलिए कि अगर आप लूसेंट से पढ़ रहे हैं तो आपको क्राउन की ओर स्विच करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपका पूरा लूसेंट कंप्लीट हो गया है और आप प्रैक्टिस के तौर पे क्राउन को ले रहे हैं या कुछ सीखने के तौर पे क्राउन को ले रहे हैं तो आप क्राउन को पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप क्राउन से तैयारी कर रहे हैं तो आपको लूसेंट की ओर शिफ्ट करने की उतनी जरूरत नहीं है। अगर आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तभी आप लूसेंट की तरफ शिफ्ट करें, यानी कि किसी भी बुक को आप बीच में छोड़ करके दूसरे बुक की तरफ ना जाए। दोनों बुक अपने अपने जगह पे बहुत ही शानदार है। जो बुक आपको पसंद आता है वो बुक पढ़िए। इसके साथ ही मैंने जो अपनी राय था वो आपके साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। अदर बुक का अगर आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।